कहानी का नाम अनुभव। समीर बहुत परेशान था। पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक उसे किसी न किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। कभी ऑफिस में बॉस के साथ बहस हो जाती, कभी घर में वाइफ से, तो कभी उसे किसी कलीग की बात ठेस पहुंचा दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो एक आश्रम में अपने गुरुजी के पास पहुंचा और अपनी समस्या बता दी। गुरुजी ने उसकी बात सुनी और कहने लगे, क्या तुम जानते हो नेवले सांप को मारकर खा जाते हैं? उसने कहा, ऐसा कैसे? कितना अद्भुत है, वे छोटे से नेवले इतने जहरीले कोबरा सांप तक को मारकर खा जाते हैं। ऐसा लगता है कि इन नेवलों को सांपों ने इतनी बार काटा है कि उनके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है और अब उनके ऊपर इस जहर का कोई असर नहीं होता। समीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने गुरुजी ने फिर बोला, और क्या तुम जानते हो जंगली इलाकों में एक प्रजाति के छोटे छोटे मेंढक होते हैं जो बेहद जहरीले होते हैं। वे पैदाइशी ऐसे नहीं होते, वे रोज थोड़ा थोड़ा करके ऐसा खाना खाते हैं कि उनके पूरे शरीर में जहर भर जाता है और लोग उनसे दूर ही रहते हैं। ये सुनकर समीर से रहा नहीं गया। वह जल्लाहट में बोला, मुझे समझ नहीं आता कि मैंने आपसे अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम शेयर की और आप मुझे जंतु विज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराए, बेटा जब तुम जहर रूपी दर्द या परेशानी को अनुभव करो तो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं। तुम नेवले की तरह उस अनुभव को जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में प्रयोग कर सकते हो, यानी कि तुम विपरीत परिस्थितियों का सामना करके खुद को और मजबूत बना सकते हो, या तुम उन मेंढकों की तरह बन सकते हो जो जहर को अपने शरीर का हिस्सा बनाते जाते हैं और इसी वजह से हर कोई उनसे दूरी बनाकर रखना चाहता है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। ऐसा होने पर कोई कैसे प्रतिक्रिया करता है ये उसके ऊपर है। बताओ तुम कैसा बनना चाहोगे, नेवले की तरह या मेंढक के जैसे? शिक्षा। दोस्तों, जिंदगी में बुरे अनुभव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो किया जा सकता है वो ये कि हम उन अनुभवों को कैसे लेते हैं, हम खुद पे इनका क्या असर होने देते हैं। किसी खट्टे अनुभव की वजह से खुद में खटास ला देना आसान ज़रूर है, पर ऐसा करना हमें उन मेंढकों की तरह जहरीला बना देता है और धीरे धीरे हमारे मित्र रिश्तेदार हमसे कटने लगते हैं। लेकिन अगर हम उस बुरे अनुभव को सकारात्मक लेते हैं और खुद को मजबूत बनाते हैं तो हम उन नेवलों की तरह सशक्त हो जाते हैं और फिर बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करना सीख जाते हैं। इसलिए चलिए प्रयास करें कि जीवन में आने वाली हर समस्या की वजह से हम उनसे पार पाना सीखें, ना कि खुद ही समस्या बन जाएं। ओम साईं राम।